दोस्तों मुंबई और हैदराबाद के बीच खेले गए आईपीएल 2024 के इस घमासान मुकाबले के बाद जहां सूर्य कुमार यादव का तूफानी शतक देखने को मिला, जिसके चलते पांच टेबल में बड़ा उलटफेर हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार अब कौन सी टीम किस पायदान पर पहुंच चुकी, क्या मुंबई का अभी भी कोई चांस है, जानेंगे सब कुछ इस छोटे से वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी बस एक छोटी सी विनती है यार कि चैनल बहुत डाउन हो गया मेरे भाई, थोड़ा सपोर्ट करो यार, वीडियो को लाइक वगैरह करो यार, कमेंट किया करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो दोस्तों केकेआर की टीम अभी भी नंबर वन की पोजीशन पर मौजूद है क्योंकि 11 में से 8 मुकाबले जीत चुके हैं, सिर्फ 3 मुकाबले तक अब तक हारे हैं। रन रेट की बात करें तो सबसे बेहतर है 10 टीमों की अगर बात करें तो केकेआर का रन रेट भी सबसे बेहतर है, +1.453 और 16 अंक प्राप्त कर चुके हैं, तो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है केकेआर की टीम। वही नंबर दो पर है राजस्थान, जिन्होंने भी 10 में से 8 मुकाबले जीत लिए और सिर्फ 2 ही मुकाबले हारे हैं। रन रेट की बात करें तो 0.622 और 16 अंक राजस्थान के पास भी, यानी कि राजस्थान और केकेआर दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब टक्कर है इन 3 टीमों में, सीएसके, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ, इन 3 में से 2 टीमों की जाने की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई दे रही। बात करें अगर चेन्नई की तो चेन्नई ने भी 11 में से 6 मुकाबले जीत लिए। रन रेट की बात करें तो +0.700 और 12 अंक चेन्नई के पास है। वहीं बात करें हम एसआरएच की तो इन्होंने भी 10 में से 6 मुकाबले जीत करके 12 अंकों के साथ नंबर 4 की पोजीशन पर अपने आप को अभी तक तो कायम रखा है। वहीं लखनऊ जो कि 11 में से 6 मुकाबले जीत कर ये भी 12 अंकों के साथ नंबर 5 पर मौजूद है। हालांकि पिछला मुकाबला हार कर लखनऊ का रन रेट काफ़ी नीचे जा चुका है, लेकिन अभी भी लखनऊ के पास मौका रहेगा, यानी कि लखनऊ के भी जो बचे हुए 3 मुकाबले हैं उनमें से कम से कम इनको 2 तो जीतने पड़ेंगे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए। और लखनऊ कि जिस प्रकार से अब तक कि ये आईपीएल घटा है, उम्मीद करेंगे कि वो जरूर 3 में से 2 मुकाबले जीतेंगे। वहीं अगर हम बात करें नंबर 6 की तो आपको दिल्ली की टीम दिखाई देगी। दिल्ली की टीम ने भी हालांकि 11 में से 5 मुकाबले जीत लिए हैं, रन रेट भले ही नीचे लेकिन 10 अंक इनके भी पास है। मौका है दिल्ली के पास भी क्योंकि दिल्ली की भी अभी 3 मुकाबले बची हुई है। अगर ये 3 मुकाबले जीत जाते हैं तो दिल्ली के भी 16 अंक हो जाएंगे, यानी कि फिर दिल्ली की टीम भी क्वालिफाई कर पाएगी। बात करेंगे आरसीबी की, यार आरसीबी के पास देखो 11 मुकाबलों में से 4 जीत चुके हैं, 8 अंक इनके पास हैं, इनके भी 3 मुकाबले बची हुई। अगर ये 3 मुकाबले जीतते भी तो भी इनके 14 अंक होंगे। अब 14 अंक में क्वालिफाई करना बेहद ही मुश्किल होगा क्योंकि जहां पर 3 टीमें 12-12 अंकों के साथ मौजूद है, वहीं इनसे ऊपर दिल्ली है जो 10 अंक पहले हासिल कर चुके हैं। तो दिल्ली की तो हम अब उम्मीद ही छोड़ दें तो बेहतर होगा। पंजाब, MIGT, इन सब की सेम हालत है क्योंकि पंजाब ने भी 11 में से 4 ही मुकाबले जीते, सिर्फ 8 अंक हैं। वहीं MI ने भी 12 में से 4 ही मुकाबले जीते और 8 अंक इनके पास हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात ने भी 11 में से 4 ही मुकाबले जीते और 11 ही इनके पास अंक हैं। अगर ये अपने बचे 3 मुकाबले जीत भी जाते हैं तो 14 अंक होते हैं, यानी क्वालिफाई करना इनके लिए अब नामुमकिन सा रहेगा। तो दोस्तों यार भाई कह रहा हूँ ना यार, चैनल बहुत डाउन चल रहा है, थोड़ा सपोर्ट करो यार, वीडियो को लाइक वगैरह कर दो यार।